मन करके आप फिर जाने का तो चले गए, ठीक है अपना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों से कुछ मत पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चर्चा चली और 2024-25 चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि प्रधानमंत्री के सामने कोई टिकेगा नहीं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी जो राय है वो रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो तो आते जाते रहता है, जाने दीजिए, हमने उसे बुलाया था, पार्टी के लोग तैयार नहीं थे। पूरे बयान को सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कोई मतलब नहीं है, अरे भाई अरे भाई आप सोच लीजिए 21 में बहुत कहे कि नहीं हम लोग कहीं नहीं रहेंगे, रह लिया उस बात उनका मन करके आप फिर जाने का तो चले गए, ठीक है अपना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी ना कि इस पार्टी से नहीं मतलब। और क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं हम सब दिन के लिए रहेंगे, आने दीजिए, तो पटिया में तो और कोई बहुत सबको ठीक नहीं लगता था, लेकिन हम ये सबको समझाए, अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। अरे जब क्या बोलता है तो आप समझ ही रह सकते हैं, ये सब कोई बोलता क्या है, काहे के लिए यहाँ क्यों आए थे, यहाँ आने की जरूरत क्या थी, ऐसे ही आकर के अब कुछ बोलना है पब्लिसिटी, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कोई पब्लिसिटी का चीज नहीं है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों से कुछ मत पूछिए। अभी संजय जायसवाल मिलने भी गए हैं, चले गए ठीक ही है, कोई मतलब नहीं है। अभी संजय जायसवाल भी मिलने गए हैं सर, संजय जायसवाल मिलने गए हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी से संजय जायसवाल मिलने गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, बोल रहे हैं हमको क्या पता। मुख्यमंत्री जी एक बात कर, मुख्यमंत्री जी एक बात तेजस्वी जी को लेकर, तो आप समझ ही सकते हैं ना कि क्या है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700, धन्यवाद।